आदरणीय अभिभावक गण और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड के अंदर लॉकडाउन की कंडीशन आ गई है और कोरोना वायरस को लेकर स्टेज सेकंड स्टार्ट हो गई है। तो शासन के आदेश अनुसार हम लोगों को भी ऑफलाइन क्लासेस बंद करनी पड़ी हैं। अब ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गई हैं तो डेफिनेटली आप लोगों की पढ़ाई के अंदर नुकसान होने वाला है। तो ये नुकसान ना हो, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने हयात वर्चुअल क्लासरूम के नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसके तहत आप अपने सब्जेक्ट के, जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, या बायोलॉजी हो, या साइंस या मैथमेटिक्स, जो भी हो, उसकी आप ऑनलाइन क्लासेस घर बैठे बड़े आराम से ले सकते हैं। और यकीन मानिए कि ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, हमारा वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, इससे आपको एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया गया है। आज ये वीडियो बनाने के पीछे मेन मकसद ये है कि मैं आपको अपने वर्चुअल प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा बता सकूं कि किस तरीके से आपको वर्चुअल प्रोग्राम को एक्सेस करना है और कैसे आप ऑनलाइन लेक्चर्स को आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात अभी हम लोग करते हैं। देखिए, स्टार्टिंग के 2 दिन के लिए, 2 दिन का मतलब है कि मंडे और ट्यूसडे के लिए आपकी जो भी क्लासेस होंगी ये यूट्यूब के ऊपर चलेंगी। 2 दिन की क्लासेस आपकी यूट्यूब के ऊपर चलेंगी, जिससे कि आप लोगों को परेशानी ना हो। जब आप थोड़े से हैबिचुअल हो जाएंगे, हम आप लोगों को प्लेटफॉर्म के ऊपर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम आज का है कि आज की क्लासेस हम लोगों की किस तरीके से चलने वाली है। अभी 2 या 3 घंटे के बाद में हम आपके पास में एक SMS कन्वे करने वाले हैं, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर लिंक होगी। आप जैसे ही लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, आप तुरंत उस वीडियो के ऊपर एक्सेस कर जाएंगे, यानी वहां पहुंच जाएंगे जो वीडियोस आपको देखनी है, यानी जो भी हमारी क्रैश की, 12th क्लास की जो भी हमारी वीडियोस हैं, आप सीधा, आपका ट्रैफिक वहां पहुंच जाएगा, आप आराम से वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। स्टार्टिंग के 2 दिन तो ये बेसिक काम हमारा रहने वाला है। अब 2 दिन के बाद क्या काम रहने वाला है, मैं आपको बताता हूँ। 2 दिन के बाद यदि ऑलरेडी आप हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, तो उसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत है नहीं। आपको एक और SMS मिलेगा या आपके पास में कॉल आएगी, उस कॉल में या SMS में आपको एक login ID और पासवर्ड दिया जाएगा। जैसे ही आप login ID और पासवर्ड उसके अंदर डालेंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसके वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। और डे बाय डे, जैसे हमारी ऑफलाइन क्लास चलती है मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे, बिल्कुल उसी तरीके से आपके लेक्चर उसके अंदर चलेंगे। फायदा क्या है इसके अंदर, वर्चुअल क्लासरूम के अंदर फायदा आपको क्या होने वाला है? देखिए, ऑफलाइन क्लासेस में या लाइव क्लासेस के अंदर जहां तक मुझे लगता है कि एक ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक यह है कि भाई हमारा एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स है, बिल्कुल वहां पर 3 o'clock, 4 o'clock या 5 o'clock कि इसी समय हमें वो लेक्चर देखना है। वर्चुअल क्लासरूम के अंदर आपको एक लेक्चर के लिए 1 दिन का एक्सेस दिया जाएगा, यानी एक लेक्चर आप 1 दिन तक कभी भी देख सकते हैं आराम से। जब भी आपको समय मिले आप 1 दिन आराम से जाकर उसे देख सकते हैं। जैसे ही आप अपनी login ID और पासवर्ड डालेंगे, हम यहां से आपको एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के बाद में सीधा आप उस लेक्चर के ऊपर कन्वे पहुंच जाएंगे, यानी आप उस लेक्चर के ऊपर पहुंच जाएंगे और लेक्चर को आप बड़े आराम से पॉज करके या जैसे भी आप देखना चाहते हैं, अपने टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करके आप देख सकते हैं। दूसरी बात, आपको वर्चुअल क्लासरूम के अंदर, यानी जो हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल्ड के अंदर डिस्कस किया गया है और इस तरीके से डिस्कस किया गया है कि आपको कोई क्वेश्चन अराइज ना हो, यानी कोई क्वेश्चन आपके मन में ना आए उस सब्जेक्ट को लेकर या उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है, तो उस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हम लोगों ने एक डाउट रिमूवल सेशन टाइप करके बनाया है, जिसमें आप अपने डाउट को बता सकते हैं हम लोगों को, या फेस टू फेस हमसे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आई है, या आपको व्हाट्सएप नंबर या ग्रुप पूरा बना दिया जाएगा जिसमें आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं अपने कंसर्न टीचर से। ओके, उसके बाद लेक्चर के जस्ट नीचे, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि मंडे है, आज मैं आप लोगों को चार्ज के बारे में पढ़ाता हूँ, व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या है। तो जस्ट लेक्चर के नीचे एक छोटा सा बटन रहेगा, जिसे जैसे ही आप प्रेस करेंगे, चार्ज के ऊपर जो टॉपिक आपने आज पढ़ा है उसी के ऊपर 10 क्वेश्चन, सब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव भी, यानी बोर्ड लेवल भी और कंपटीशन लेवल भी, तुरंत आपके सामने खुल जाएंगे। आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं वहीं के वहीं। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, तुरंत आपको अपना टेस्ट पता चल जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। अच्छा, उसके बाद उसी टेस्ट का वहीं पर एक बटन और प्रेस मिलेगा आपको। जैसे ही बटन को प्रेस करेंगे, पूरे टेस्ट का, यानी जो 10 क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस की है, DPP हम लोग माने, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स,
उनका सॉल्यूशन आपके सामने खुल जाएगा। तो इस तरीके से आप लेक्चर को बड़े आराम से देख पाएंगे, उसी लेक्चर के ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें डिस्कस भी कर पाएंगे, उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर पाएंगे, उनका आप सॉल्यूशन भी देख पाएंगे। यानी आप लोगों का पढ़ाई के अंदर कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है। बस मेरी आप लोगों से एक छोटी सी विनती है स्टूडेंट्स, वो क्या है कि आप लोगों को थोड़ा जिम्मेदारी के साथ आप लोगों को व्यवहार करना है, क्योंकि आप लोगों की ऑफलाइन क्लासेस नहीं है और आप छोटे बच्चे तो है नहीं कि आप लोगों को एक एक बात बताई जाए, आप लोग मैच्योर हैं। सो आप लोगों को थोड़ा ईमानदारी के साथ पढ़ना है, जो भी लेक्चर्स आप देखें बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम आप लोगों के सभी डाउट्स को अच्छे तरीके से क्लियर कर पाएं। अच्छा, अब जो स्टूडेंट्स क्रैश कोर्स वाले हैं, देखिए क्लास तो सबके इसी तरीके से चलनी है, क्रैश कोर्स हो, ट्वेल्थ क्लास हो, इलेवेंथ क्लास हो, टेंथ हो, नाइन्थ हो, सबकी क्लास इसी तरीके से चलनी है। क्रैश कोर्स वाले स्टूडेंट बिल्कुल भी क्लास मिस ना करें, जब भी उनकी क्लास चलेगी हर एक लेक्चर को बहुत ध्यान से देखें, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में जो भी आप लोगों को क्लासरूम के अंदर पढ़ाया जाएगा उसे आप अच्छे तरीके से सुने, और जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे उन्हें आप फॉलो करें, और यकीन मानिए बहुत फ़ायदा आपको होने वाला है। अब चूंकि मेंस का और नीट का एग्ज़ाम पीछे हो गया है आपका, यानी थोड़ा सा एग्ज़ाम की डेट पोस्टपोन कर दी गई है, तो उम्मीद है कि ऑफलाइन जैसे ये पैनिक वाली सिचुएशन खत्म होती है तो हम तुरंत आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, तो उतना ही समय हम लोगों को मिला रहेगा जितना हम अभी हमारे पास में है। जैसे 2 मई में या 3 मई में एग्जाम होता तो हमारे पास में अभी टाइम लगभग 1 महीने का समय है। अब चूंकि एग्जाम पीछे हट गया है तो उतना ही समय रहेगा, आप चिंता ना करें। ये जो वर्चुअल क्लासरूम है ये तो आप लोगों को एक सिर्फ बोनस के तौर पर मिलेगा कि भैया आपको इसका फायदा होने वाला है, बाकी ऑफलाइन के लिए भी हमें समय पूरा मिलने वाला है। तो जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है उन लोगों को सीधा लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा, और लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालने के बाद में आप सीधा एक्सेस कर सकते हैं अपनी वीडियोस के ऊपर। और जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है प्लीज वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में उसके पास में उन्हें लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा, और लॉगिन आईडी और पासवर्ड के बाद में वो अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ और करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हमारे पास में पूरी फैकल्टीज मौजूद हैं, आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट उससे मिलने वाला है। ओके स्टूडेंट, बाकी स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो आप देख रहे हैं वहां एक कॉन्टैक्ट नंबर है, ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए उस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।